चलते हैं मंदिर की तरफ और एंट्री करते हैं मंदिर में। देख सकते हैं कितना सुंदर मंदिर, और इसमें जो आर्किटेक्चर देख रहे हैं इसकी कितनी बारीकियों से किया गया और काफ़ी टाइम लगा होगा। वैसे पूरा मंदिर जहां तक तो संगमरमर के पत्थर का ही आपको देखने को मिल रहा होगा। और जहां नारी का अपमान होता है वहां ईश्वर और भाग्य दोनों रुष्ट हो जाते हैं। स्मरण रखिए, यदि नारी कल्याणी है तो नारी महाचंडी भी बन सकती, यदि नारी माता बन के जन्म दे सकती है तो नारी मृत्यु बन के विनाश भी कर सकती। जहां नारी का अपमान होगा वहां महान भारत भी महाभारत की ओर जा सकता है, और यदि नारी का अपमान हुआ अर्थात आपका विनाश आपके निकट आ रहा है। देख सकते हैं यहां कुछ स्कूल से बच्चे भी आए हैं टूर की तरफ से, और अभी उनके टीचर्स लोगों ने उनको बैठा रखा है। वैसे तो अभी हम आउटडोर में ही घूम रहे हैं, और आउटडोर में एक मंदिर के आउटडोर में ही आपको इतना सब कुछ देखने में, और यहाँ की स्वच्छता आप देखिए सच में काफ़ी है। और सामने आपको जगत कृपालु दास जी का परिसर देखने को मिल रहा होगा, और ये यहाँ गोपियाँ कुछ नृत्य करते हुए आपको सामने दिख रही होंगी। अभी उधर साइड से इधर सनलाइट अपोजिट साइड है तो आप लोगों को इस हिसाब से क्लियर दिख ना रहा होगा, अभी उस साइड जाएंगे तो वहाँ का सीन आपको क्लियर देखने को मिलेगा। तो चलिए आपको यहाँ के कुछ सीन्स दिखा देते हैं। और देख सकते हैं काफ़ी सुंदर आपको चित्र देखने को मिल रहा होगा, और पॉन्ड दिख रहा होगा उसमें कुछ लोटस के फ्लावर्स वगैरह आपको शो हो रहे हैं दिख रहे होंगे। और सामने आपको कृष्ण जी और साथ में बैठी राधा जी, और इसी पे आप बोल दीजिएगा एक बार राधे राधे। देख ले देख, और पीछे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं राधा जी बैठी हुई हैं और कृष्ण जी खड़े हुए हैं, और यहाँ की कलाकृति बिल्कुल आपको अद्भुत आज देखने को मिल रही होगी। और ये श्री जगत कृपालु दास महाराज जी हैं जिनके जन्म स्थली पे ये इस मंदिर का निर्माण किया गया है, वही आपको यहाँ इस सीन में देखने को मिल रहा होगा। और सच बताएं तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर लोग इन कलाकारियों को ही देखने आते जो यहाँ कलाएँ इतनी सुंदर बनाई है, और आप देख सकते हैं मतलब रियल ये काऊ आपको गाय देखने को मिल रही होगी।
दिखाई हो तीन सत्तावन और सामने आपको दिख रहा होगा सीलिंग पे खड़ी गाय आपको दिख रही होगी और जो अपना दूध शिव जी पे अर्पित कर रही है और सामने आपको कुछ गोपियां खड़ी हुई दिख रही है और इधर शेषनाग आपको दिख रहे होंगे कहा जाता है कि रात का सीन काफ़ी और अच्छा यहाँ देखने को मिलता है बट अभी देखो यदि थोड़ा बहुत शाम होती तो देख कर ही निकलेंगे क्योंकि आधे घंटे का रास्ता और घर पहुँच ही जाएंगे सही टाइम पे और इसका ग्राउंड देख रहे हैं काफ़ी ब्रॉड एरिया में फैला हुआ ग्राउंड और काफ़ी बहुत बड़ा मंदिर है क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम आया था तो इतना ज़्यादा नहीं देखने को मिला था उस समय काफ़ी चीज़ें नहीं बनी हुई थी लेकिन आप काफ़ी और अभी भी पीछे आपको कंस्ट्रक्शन का वर्क होते हुए दिख रहा होगा और फ्लावर्स देख रहे हैं कितना अच्छा सजाया गया है और काफ़ी लोग देख रहे हैं इस चित्र को थोड़ा ऊपर चढ़ के आपको दिखा देते हैं यहाँ तो सारे राधा जी और कृष्ण जी की ही आपको मूर्तियाँ देखने मिले मुझे लगा कि सब गोपियाँ वगैरह लेकिन सारे नृत्य उन्हीं के हैं देख सकते हैं हर स्टेप को यहाँ प्रदर्शित किया गया है उनके और आपको सामने बहुत बड़ी LCD देखने मिल रही होगी वहाँ भी राधा जी की एक बहुत सुंदर चलचित्र दिखाया गया है आप सामने देख सकते हैं वहाँ लोग मंदिर पे अब जा रहे हैं और अभी वहाँ हम लोग चलते हैं देखते हैं वहाँ कैमरा अलाउ है या नहीं यदि अलाउ होगा तो वहाँ का भी वीडियो बनाएंगे नहीं अलाउ होगा तो बस इतना ही वीडियो आप देख पाएंगे अब चलते हैं मंदिर की तरफ और एंट्री करते हैं मंदिर में